छोटे पर्दे के सबसे बड़े नाम कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने शो की टीआरपी गिरने के चलते अपनी फीस कम कर दी है, तो वहीं सुनील ग्रोवर को पहले से डबल फीस पर नए ऑफर दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अपनी फीस कम होने के बाद भी कपिल शर्मा कमाई के मामले में दूसरे स्टार से कहीं ज्यादा आगे हैं। आज हम आपको छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा टीवी की दुनिया के सबसे बड़े स्टार हैं। एक समय था जब उनका शो टीआरपी की रेस में सबसे आगे रहता था। हालांकि सुनील ग्रोवर के साथ हुए विवाद ने उनके शो को खासा नुकसान पहुंचा दिया। इस बात की गाज उनकी कमाई पर भी पड़ी है। कपिल को पहले अपने शो के एक एपिसोड के लिए 80 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी फीस 40 लाख रुपए कर दी है। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के साथ हुए झगड़े के बाद छोटे पर्दे पर अब तक कोई नया शो तो ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उन्हें नए शो के लिए बहुत सारे ऑफर्स दिए जा रहे हैं। सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के शो में एक एपिसोड के लिए 7 से 8 लाख रुपए फीस लेते थे, लेकिन अब नए ऑफर्स में उनकी फीस 13 से 14 लाख रुपए तक हो गई है। मशहूर सीरियल इश्क के रंग सफेद के एक्टर मिशाल रहेजा कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं। 2005 में छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले मिशाल एक शो के लिए 1,60,000 रुपए लेते हैं। 2007 में छूना है आसमान से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर मनीष पॉल भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं। हाल ही में फिल्मों में भी नजर आने वाले मनीष अपने शो के एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं। दिग्गज अभिनेता राम कपूर भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में शुमार हैं। राम कपूर को एकता कपूर का फेवरेट माना जाता है और शो के एक एपिसोड के लिए उनकी फीस 1,25,000 रुपए है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।